गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है JINC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में मोनेरा तथा प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। आइए इस बार जो है हम आगे मोनेरा के बाद प्लांटी किंगडम में जो है कौन कौन से फाइलम होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, सभी को मेरा नमस्कार। फटाफट से जुड़ जाइए आज के सेशन में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए भाई विद्यार्थियों, आज का जो अपना सेशन है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका। जीव जगत में विविधता जो देखी जाती है उसके अंदर सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं। और आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं फिर से अभी भी, क्योंकि आज जो है एक नया नोटिफिकेशन आया है और जो विद्यार्थी JINC से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जो आपका कोर्स है BSc नर्सिंग एंड MNS एंट्रेंस एग्जाम का, उसको परचेज करके आप जुड़ सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक नया फिर से अपडेट आया है। अपडेट क्या कहे, आपके लिए खुशखबरी कह सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपना जो फॉर्म था उसको रीओपन किया है। जो BSc एंट्रेंस का, एम्स का जो फॉर्म था उसको रीओपन किया है। अब जो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होता है BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के लिए, वो 23 से 29 तक शाम को 5 बजे तक जो है रीओपन हुआ है। फाइनल स्टेटस इसका 31st, यानी कि आप फाइनली लेट फीस का फॉर्म कब तक भर सकते हो, 31 दिसंबर तक 31-10 तक भर सकते हो। इसके बाद उनके आपके कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन या पेमेंट की बात की तो वो 1 तक हो सकता है। और आपको जो भी एप्लीकेशन जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स थी उनको रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, उनको रिजेक्टेड एप्लीकेशन को हटाने के कारण जो है वो कब अप्लाई होंगे, वो आपके 15 तारीख तक, और उसके बाद जो है सबमिशन, और लास्ट वीक नवंबर में इसके एडमिट कार्ड अपलोड होंगे और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसके एग्जाम होंगे। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों ने, गर्ल्स ने जो आपके एम्स नर्सिंग का एग्जाम नहीं भरा है, उनके लिए ये एक बार फिर से सुनहरा मौका है। आज का ही नोटिफिकेशन है तो सभी को यह जरूर ध्यान रखना है। संदीप कश्यप, सॉरी क्यारदा, ये आप पूछ रहे हैं कि क्या हम भी भर सकते हैं। थर्ड ईयर एम्स के जो होते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसमें मेनली जो है ये गर्ल्स के लिए है बेटा, ना बॉयज के लिए आपको RUHS के एग्जाम का ही इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? अब क्योंकि डेट भी वापस आ गई है और जो विद्यार्थी अब फाइनली नए तौर से, नए सिरे से JINC के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। ये बैच दोपहर को 1 से 6 बजे के बीच में रहते हैं और इन बैच की जो फीस है मात्र 15,000 है। और इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिलेटेड सारे के आस्पेक्ट, क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के, उन सभी को क्लास में फेस टू फेस बताया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि आप कहीं और मैं कहीं और, लेकिन ऑफलाइन के केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऑफलाइन का बैच जो है वो दोपहर 1 बजे से 6 बजे के बीच में चल रहा है। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का जो अपना सेशन है वीडियो डियर, अपने सेशन में हम प्लांटी किंगडम को शामिल करेंगे, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, एंजियोस और जिम्नोस्पर्म को, एम्ब्रियोफाइटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ, ये सुख चौधरी हम नहीं कह सकते हैं कि इतना इनमें भेदभाव है या क्या है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, व्हिटेकर के अनुसार, व्हिटेकर ने ही पंच किंगडम, 5 किंगडम दिया था, उसके अनुसार किंगडम प्लांटी में सभी सम्मिलित है कौन कौन। अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर, किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, ऑटोट्रॉफ प्लांट, यूनिसेलुलर यूकेरियोट सपोषी पादप, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट ऑटोट्रॉफ्स, या मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स, या फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसके अंदर
व्हिटेकर के अनुसार प्लांटी किंगडम में किसको रखा गया है? क्या यूनिसेलुलर और यूकैरियोट को रखा है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को रखा है, या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को सिर्फ साथ में ऑटोट्रॉफ्स या बी ऑप्शन में यहां पर नहीं है, जबकि डी ऑप्शन में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सभी यूकैरियोटिक पर स्वपोषी को रखा गया है। चलिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। साहिल जयसवाल, क्लास का टाइम बढ़ाएं, 2 घंटे कर दें। डियर रीओपन करने का इनका रीजन है, कुछ बच्चे को फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ का पेमेंट हो पा रहा था, कुछ का नहीं हो पा रहा था, तो ये उनके लिए रीओपन है। आपने भर दिया तो अच्छी बात है, नहीं भरा तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। चलिए भाई सभी का आंसर, सबसे पहले मिलिंद ने अपना आंसर दिया है डी, सुनील प्रजापति डी आंसर, सुख चौधरी डी आंसर, प्रियंका डी, लगभग सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, किरण, सतीश, पूजा भाटी, नेट स्लो है डियर, नेट स्लो अब आपका है बेटा, यहां पर और किसी को प्रॉब्लम नहीं, और इसका मतलब नेट स्लो थोड़ा आपका है, आपको अच्छे कवरेज एरिया में जाकर बैठना चाहिए। संदीप डी आंसर, प्रियंका राव डी आंसर, राकेश सेन जैन से फैमिली से डी आंसर, दीपिका यादव सभी का डी आंसर, क्या बात है। देखिए बच्चा, सबसे पहले आपको ध्यान देना था कि आपको प्लांटी किंगडम पूछा गया है, तो प्लांटी किंगडम होते कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ से, तो ऑटोट्रॉफ तो यहां पर भी, ऑटोट्रॉफ तो यहां पर भी, ऑटोट्रॉफ तो यहां पर भी है, लेकिन यहां सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, यहां यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स दोनों है, ऑटोट्रॉफ तो होते हैं, इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो हट गया। अब सुनिए, देखिए इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि यूनिसेलुलर आपको मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, जो आपके यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं वो कौन रहते हैं, अरे प्रोटिस्टा रहते हैं। इसी स्लाइड में मैंने इस साइड में मोनेरा लिखा था, प्रोटिस्टा लिखा था, मोनेरा को मैंने कहा यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट, जबकि इसको मैंने कहा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो अभी आपको एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स जो है वो यूकैरियोट जो है वो कौन आ जाएंगे, प्रोटिस्टा। हम किस की बात कर रहे हैं, प्लांटी की बात कर रहे हैं बच्चा। आप सभी का पहला ही पहला मोटे मोटे तौर पर सभी का आंसर क्या है, खोटा है। अत्यंत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका पहला ही पहला स्टेप आपका जो है वो खोटा हो गया है। अब इसमें कुछ बच्चे हताश हो जाएंगे, मेरा तो पहला ही पहला क्वेश्चन गलत हो गया है। मैंने क्लास में एक बार कहा भी था, बच्चे ये तुम्हारे जीत का पहला कदम है, इसका मतलब अब आप तय करेंगे कि हमें आगे रखने वाले कदम और भी ज्यादा संभल संभल के रखने हैं, समझ रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ, एकदम से इन्होंने क्वेश्चन बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, क्योंकि क्वेश्चन ही उस टाइप का था बच्चा। हमें कंफ्यूजन होती है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने छोटे पॉइंट को डिस्कस किया था, लेकिन फिर से आपने वही गलती दोहराई, तो हम समझ सकते हैं कि हम कितने रट्टू तोता है। हमें सिर्फ बहुकोशी के दिखा, यूकैरियोट्स दिखा, स्वपोषी दिखा, लेकिन आगे अपन भूल गए उसमें एक कोशी के भी है, जो कि गलत आंसर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया था बच्चा, बी इसका राइट आंसर हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिक वॉल्ड स्पोर प्रोटेक्ट द एल्गा फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटी भित्ति वाले जीवाणु शिवालों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं, उस प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए क्या पाया जाता है उस भित्ति के अंदर, एकिनेट्स पाया जाता है, एप्लेनोस्पोर्स पाए जाते हैं, हाइनोस्पोर्स एंड एकिनेट्स पाया जाएगा, जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कुछ ऐसे एल्गी होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बच जाती है, विकट परिस्थितियों में भी सरवाइव कर जाती है, तो उनके जो स्पोर्स होते हैं उन पर मोटी भित्ति जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता, कौन सी मोटी भित्ति पाई जाती है, उसकी मोटी भित्ति को क्या कहते हैं। हिंदी में सही से समझाए, और कितना सही से समझाएं, चलिए मैं फिर से कोशिश करूंगा।
और इससे भी ज्यादा अच्छे से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करूंगा। अपने दिल की गहराइयों से हिंदी के वर्ड निकाल निकाल कर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चे, अब अपने आंसर दीजिए। हाँ हिंदी में देखिए, हिंदी में इनको एकिनेट्स ऐसे कहेंगे, एकिनेट्स, ये आपको हिंदी में भी ऐसा ही मिलेगा। एप्लिनो स्पोर्ट्स, हाइनो स्पोर्ट्स, एकिनेट्स, जू स्पोर्ट्स ऐसे मिलेगा आपको, जू स्पोर्ट्स। तो अब क्या करोगे वहां पर? अरे इसकी हिंदी नहीं करनी है, वरना इसकी अत्यंत विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की हिंदी हो जाएगी जिसे आप सहन नहीं कर पाओगे। तो हमें इसकी हिंदी करनी है, हिंदी नहीं कर देनी इसकी। हाँ समझने वाले समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए भाई सभी का आंसर आ गया है, डी आंसर, ए आंसर, डी आंसर, ए डी आंसर। अंकिता प्रजापति, व्हाट इज दिस ऑपरेशन? उचित तरीके से, बिल्कुल बहुत ही उचित तरीके से आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो ध्यान देना, मोटी परत जो होती है, अरे विद्यार्थियों कहा तुम डी बी सी ए, इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी बी ए नहीं है, कौन सा हो जाएगा? सी कहते हैं। देखिए सिर्फ एकिनेट्स नहीं पाया जाता, अगर यहां पर ऑप्शन में कोई नहीं होता, यानी कि आपके एप्लिनो स्पोर्ट्स होता, हाइड्रो स्पोर्ट्स होता, जू स्पोर्ट्स होता, तब आपका आंसर कौन सा जाता? एकिनेट्स आता था। हाइड्रो स्पोर्ट नहीं होता तो सॉरी, अगर एकिनेट्स होता, एप्लिनो स्पोर्ट्स होता, जू स्पोर्ट्स होता या कोई और ऑप्शन होता, तो उसके अंदर जो आपका कौन सा जाता? एकिनेट्स ही जाता। एक अतिरिक्त और वर्ड जोड़ देना, आज क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारे आंसर जो है एकदम से ही तुम जो गलती गलत किए जा रहे हो? आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रो स्पोर्ट्स एंड एकिनेट जो होती है वो उनको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करती है। किन के अंदर? स्पोर्ट्स में, एल्गी के स्पोर्ट्स में। आज तुम्हारा ये लग रहा है कि माता घूम गया है। सुख चौधरी, सी आंसर, अगेन खोटा हुआ। मैंने वही कहा था, तुम तो बस वही क्लास में आ जाते हो, अपना समय दे देते हो और तुम्हें लगता है कि मैंने समय जो दिया है मेरे को समझ में आ गया है, मैं कर दूंगा, तो ये नहीं चलेगा बच्चा, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तुम बस ऑनलाइन क्लास में आकर अपनी प्रेजेंस दे रहे हो, मेंटली रूप से तुम प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ना, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है जब तक तुम पढ़ के नहीं आओ हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेवालों में नहीं पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा, एम्ब्रियो नहीं पाया जाएगा, युग्मन जायगोट नहीं बनेगा, या फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इनमें से शैवाल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? क्या अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा, क्या उनमें भ्रूण नहीं पाया जाएगा, क्या उनमें युग्मनज नहीं होगा, या उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं देखी जाएगी? चले भी विद्यार्थियों सभी का आंसर इस बार जो है बी आंसर, सतीश का बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, लेकिन शेखावत तेज कह रहे हैं कि ए आंसर हो जाएगा। तेज, शेखावत, प्रियंका राव, बी आंसर सही, बी आंसर सही होगा। साहिल भी कह रहे हैं बिल्कुल, अरे क्या बात है, काफी वर्षों बाद। शेखावत तेज, आपका आंसर जो बेटा इस बार आपके लिए खोटा, आप नए हो लग रहा है, लेकिन इस बार आपका आंसर जो है वो क्या है? खोटा है। देखिए जब अपन एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन भी देखा जाएगा, जायगोट भी बनेगा, जायगोट बन रहा है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन बना है इसका मतलब कि युग्मक बने हैं, मियोसिस हुआ इसका मतलब गैमिट बने हैं, गैमिट बने तो उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा? जायगोट भी बनेगा, लेकिन किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए एल्गी को अपन क्या कहते हैं? नॉन एम्ब्रियो फाइटा कहते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे? नॉन एम्ब्रियो फाइटा कहते हैं। ऐसे
फाइटा। अच्छा एक टर्म आपको बार बार परेशान करेगा, फाइटा। मैं कई बार क्लास में बताता हूं फाइटा, फाइटा का मतलब ही यही होता है प्लांट, जबकि जिसके पीछे फिल्ली या फिल्लस लगा होता, फिल्लस और फिल्ली का मतलब ही क्या होता है, लीफ होता है। तो फाइटा, ऐसे फाइटा जिसके अंदर क्या नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन एम्ब्रियो फाइटा कहेंगे। क्या बात है, सभी खुशियां मनाइए, सभी खुशियां मनाइए, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है काफी जनों का राइट हो गया है और कुछ बच्चों का गलत भी हुआ है। कोई बात नहीं, बुरा नहीं माने, ये पहली बार आपका गलत हुआ होगा। हाँ, नॉन फॉर्मेशन एम्ब्रियो यानी कि नॉन एम्ब्रियो फाइटा, आगे के क्वेश्चन आपके जो भी शेखावत साहब थे, तेज शेखावत, आपके आगे के क्वेश्चन सही होंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल एम्ब्रियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्लेडोफोरा में आइसोगैमेट्स है, इन क्लेडोफोरा आइसोगैमेट्स आर नॉन फ्लेजिलेटेड, उसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता है, सिंगल फ्लेजिलेटेड या बाई फ्लेजिलेटेड या मल्टी फ्लेजिलेटेड। सिंगल का मतलब हो जाएगा एकल, एक फ्लेजिला, दो फ्लेजिला, और बहुध्वज युक्त मतलब की एक से अधिक फ्लेजिला। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा क्लेडोफोरा में, एक डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चा, स्टूडेंट जर्नी ए आंसर और मिलिंद बी आंसर, मिलिंद केदार बी आंसर, सुनील प्रजापति सी आंसर, बाई फ्लेजिलेट क्लेडोफोरा है बच्चा, है ना, बी आंसर, सतीश का भी बी आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चा, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा वो आपको बताना है। हेमराज राठौड़ ए आंसर, हेमराज नए लग रहे हो, आपका जे आई एन सी फैमिली में स्वागत है बच्चा, फटाफट से राइट आंसर दीजिए बच्चा। चलिए सी और बी के बीच में काफी विद्यार्थियों में क्या देखी जा रही है, कंफ्यूजन देखी जा रही है। देखिए कंफ्यूजन का विषय नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दे रखा है और कुछ इस तरह का डायग्राम बना रखा है, अगर किसी ने गौर किया हो तो यहां पर इस तरह का डायग्राम बना रखा है, आज ही एनसीईआरटी खोल के देखना, उसके अंदर आइसोगैमस का मतलब मेल और फीमेल जो दिखने में एक जैसे होंगे और वो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, बाइफ्लेजिलेट रहेंगे। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है बच्चे, तो कैसा रहेगा, क्योंकि दो फ्लेजिला है तो कैसे रहेंगे, बाई फ्लेजिलेट। काफी विद्यार्थियों ने अपना आंसर सी दिया था, लेकिन हेमराज सतीश इन सभी का आंसर ए हो गया, गलत हो गया है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है, नॉन फ्लेजिलेटेड भी नहीं होते हैं। आइसोगैमेट्स का मतलब, आइसोगैमेट्स का मतलब दिखने में एक जैसे होंगे, जैसे हेट्रोगैमेटिक तो होते हैं, ह्यूमंस की बात करें, एक सेल अलग दिखेगी आपको बड़ी, स्पर्म सेल छोटी अलग टाइप की दिखेगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर समान रूप से देखते हैं, लेकिन मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको अपन ने गैमेट्स नाम दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कोएम्बियम का कॉलोनी है, उपनिवेश का मतलब कॉलोनी है, या किसकी कॉलोनी होती है, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी को कहेंगे, स्पायरोगायरा की, यूलोथ्रेक्स की, या एसिटा बुलेरिया, इनमें से किसकी कॉलोनी को कोएम्बियम कहेंगे, कोइनोबियम, सॉरी माफी चाहता हूं, किसकी कॉलोनी, क्योंकि ये सभी के सभी जो है इसमें से कुछ जो है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, आपको वही बताना है कि आप में इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसी एल्गी है जो क्या बनाती है कॉलोनी, और उस कॉलोनी का नाम हो जाएगा कोइनोबियम, कौन सी एल्गा कॉलोनी बनाएगी जिसका नाम हो जाएगा कोइनोबियम। सुयास सोनी गुड इवनिंग, आपके लिए पहले गुड मॉर्निंग, आप जगे हो फटाफट से, आज जुड़े नहीं थे, आप जुड़ने में लेट हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन भी चले गए हैं। चलिए भाई विद्यार्थियों के आंसर आने, रुझान आने प्रारंभ हो गए हैं, और आंसर जो आया है सबसे पहले दीपिका यादव ए आंसर,
हेमराज ए आंसर, सुनील ए आंसर, संगीता ए आंसर, दीपिका यादव ए आंसर, शुक्र चौधरी वॉलवॉक्स की कॉलोनी को कहते हैं, सीमा सेजू ए आंसर। देखिए कोइनोबियम ये भी आपके डायग्राम एनसीईआरटी में तो बन रखा है, इस तरह का एक डायग्राम तो बन रखा है, लेकिन वो डायग्राम है किसका या उस डायग्राम को कहते क्या है ये हमें अभी नहीं पता है। इस तरह का डायग्राम एक बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, देख लेना आज। एनसीईआरटी को कभी कभी अपने दर्शन दिया करो, एनसीईआरटी आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाएगी बच्चे, एनसीईआरटी आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाएगी, कहेगी प्रभु आ गए आप, इतनी देर कैसे लगा दी। एनसीईआरटी को जब आप अपने दर्शन दोगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी आपको सम्मुख से अपनी वाणी से कहेगी प्रभु आने में बड़ी देर कर दी, इतने दिनों तक कहां थे आप, आए नहीं इतने दिनों तक प्रभु, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी से तुम्हारा कोई वास्ता भी रहा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है इसके अंदर जो ए वॉलवॉक्स जो होती है उसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, कोइनोबियम कहते हैं। और काफी विद्यार्थियों ने, अच्छा सभी ने सही दिया है, तो काफी विद्यार्थियों का ए आंसर है, मुझे लगा कुछ ने जो है गलत भी दिया था जो ऊपर चले गए हैं, सभी का आंसर ए है, क्या बात है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, काफी समय बाद सभी का आंसर जो है ए आया। वॉलवॉक्स जो कॉलोनी बनाकर रहता है और उसकी कॉलोनी को अपन क्या कहेंगे, कोइनोबियम कहेंगे, ए आंसर हो जाएगा। उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है जो आपको मैंने बताया है। विच वन इज यूनिसेलुलर एल्गी, निम्न में से कौन सी कोशिका जो एक सवाल होती है, यूरोथ्रिक्स, एसिटाबुलेरिया या कारा या फिर युल्वा, इनमें से कौन सी ऐसी कॉलोनी है जो क्या है एक कोशिकीय है। एनसीईआरटी अगर किसी को नहीं कहती इसका मतलब आप रोज दर्शन देते हो, और जब भी किसी के घर पर रोज रोज जाओ तो आपकी इज्जत कम हो जाती है लेकिन नॉलेज जरूर बढ़ जाता है ना। आप किसी के घर रोज रोज जा रहे हो ना तो अच्छे और बुरे का, अपने और पराये का पता तो चल जाता है। यदि आप बार बार अपने मौसी के या ननियाल के वहां जाओगे ना तो बार बार आपको ये कहेंगे फिर आएगा, हेंद नेंद ना आप होकर पढ़ने को नहीं गई, लेकिन नॉलेज बन जाएगा आपका। अच्छा इसका मतलब कि बार बार कहीं पे जाने पर इज्जत भी कमजोर हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी को अपने कभी कभी दर्शन दो, अरे उसमें नॉलेज बढ़ेगा, सीखने को मिलता आपको, तो उसको इस वे में नहीं लेना है। चलिए भाई डी आंसर, बी डी बी, डी बी तथा ए के बीच में जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है। हेमराज चौधरी, हेमराज राठौड़, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एम्स का बताया है वैसे वैसे जैसे ही आपके आरयूएचएस के आएगा मैं हाथों आपको बता दूंगा। यूनिसेलुलर एक बड़ी कोशिकीय शैवाल जो होती है वो कौन सी हो जाती है, एसिटाबुलेरिया, और आपने एक और नाम सुना होगा क्लीमाइडोमोनास, सिंगल सेल प्रोटीन नाम सुन रखा होगा। एसिटाबुलेरिया जो है वो क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। अरे कारा आपने देखा होगा, नीट 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कारा का एक डायग्राम दे रखा था इस तरह से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। नॉर्मली एक प्लांट में डायोइशियस प्लांट के अंदर, सॉरी मोनोइशियस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, मोनोइशियस द्विलिंगाश्रय या फ्लावर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट मिल रहे हैं तो अपने उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके अंदर नॉर्मल केस में मेल पोर्शन ऊपर की तरफ रहता है और फीमेल पार्ट नीचे की तरफ रहता है, लेकिन कारा के केस में उल्टा है। कारा के केस में ऊपर की तरफ जो है वो कौन है, फीमेल पार्ट है, और नीचे की तरफ कौन है, मेल पार्ट है। आपने जैसे कॉर्न फ्लावर देखा होगा, मक्के का पादप देखा होगा, तो मक्के के पादप में ऊपर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाए उसका मेल पार्ट, और जो कॉम्ब बनता है वो कॉम्ब क्या है उसका फीमेल पोर्शन या बीज जो बनते हैं यहाँ पर फीमेल, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। तो नॉर्मल केस में मेल पोर्शन ऊपर की तरफ है और फीमेल पार्ट जो है नीचे की तरफ, मादा भाग नीचे और नर भाग ऊपर, लेकिन कारा के केस में ऐसा उल्टा है और यही नीट ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हम तो रटते हैं भाई। विकास जयपाल, नीट 2021 में नहीं, ये पूछा गया था आपके 2012 के आसपास में, ये कारा का क्वेश्चन और एक उसी के सवाल का अभी करंट का ही क्वेश्चन है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्ड्रस एल्गी इज यूज टू ऑब्टेन, कॉन्ड्रस एक प्रकार की एल्गी होती है जिससे क्या प्राप्त होता है, अगार अगार जेल, केराजीन मिलेगा,
सिट्रिक एसिड मिलेगा या एल्फाटॉक्सिन मिलता है, एफ्लाटॉक्सिन। इनमें से किससे कॉन्ड्रस एक प्रकार की शैवाल होती है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको नॉर्मली एक तो इनका जनन, इनका आवास और इनकी विशेषता और पांचवा इनके आर्थिक महत्व को ही समझना है। ये पांच पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए एल्गी और फंजाई के बारे में। प्लांट में तो महत्व तो सबको पता है। हाँ, कारा तो मल्टी सेलुलर, बिल्कुल संगीता, कारा मल्टी सेलुलर है, लेकिन कारा का क्या क्वेश्चन उठा था वो मैंने आपको बताया था। चलिए भाई, रोहित सबसे पहले स्टूडेंट जर्नी ए आंसर, रोहित भारती बी आंसर, अंकिता प्रजापति ए आंसर, सतीश ए आंसर, बिल्कुल जॉर्डन, हेमराज राठौर ए आंसर, अंकिता ए आंसर, मिलिंद ए आंसर। अरे मिलिंद, तू एक बार आंसर लिखा गया तो भी मैं तेरा नाम लेके बोल दूंगा कि मिलिंद का आंसर है ये ए आंसर। वो खोटा होता है तो तू वापस तो कुछ कहता नहीं है, और जब अभी तेरे को एक आंसर पता चला है तो लड़िया लगा देता उस आंसर की। विकास जयपाल ए आंसर, सुनील प्रजापति डी आंसर, दीपिका यादव डी आंसर, शेखावत तेज शेखावत ए आंसर। देखिए बच्चा, एगार सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अपना भेजा अड़ाइए। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक जिसमें जीव की जीन में हेर फेर करके वांछित उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजायर्ड या फेवरेबल प्रोडक्ट को किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेंगे, यही टेक्निक क्या कहलाएगी, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। और बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर अगार अगार जेल होता है जो लाल शैवाल ग्रेसिलेरिया तथा जेलिडियम से मिलता है। नाम क्या हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, इसे सी वीड्स समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। तो ये अगार अगार, और ये कॉन्ड्रस जो मिलता है वो किससे मिलेगा बच्चा, वो केराजीन से मिलता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के लिए यहाँ कहा आ गया अल्फा टॉक्सिन, नहीं, यहां पर जो है केराजीन मिलता है किससे, कॉन्ड्रस से। कॉन्ड्रस से क्या मिलेगा, केराजीन मिलता है। हाँ, अगर अगर तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम दो प्रकार की लाल शैवाल होती है जो कि एक प्रकार की सी वीड्स समुद्री खरपतवार कहलाती है, उनसे मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, यहां का आ गया। तो इससे क्या मिलेगा, केराजीन मिलता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रू इलेटर्स, इलेटर्स और जेमाई कप का संबंध है, मैंने आंसर भी दे दिया है, रिक्सिया से, मार्केंसिया से, एंथोसिरोस से या नोटोथाइलस से। इनमें से देखिए एक ऑप्शन तो मैं पहले ही हटा देता हूं, नोटोथाइलस तो होगा ही नहीं। चलिए आपका काम आसान हो गया, अब आपके पास राइट आंसर होने के 33.3333% है कि राइट आंसर आपका हो जाए। तो अब इसी में से, इन तीन में से आपको आंसर देने ना। हाँ, पहले वर्ड देखो, उनके ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस में मैंने कई बार बताया कि जो नहीं हो सकता उसको आप हटा दो, उसके बाद आगे बढ़ो। अरे डियर, केराजीन जो है वो रेड एल्गी से तो मिलता है, लेकिन कौन सी रेड एल्गी से रे, ना वो सब भी तो देखो। ट्रू इलेटर्स और जैमा कब जैमाई, मैंने आंसर भी दे दिया है, जैमा कब जैमई बी आंसर, रोहित भाटिया बी आंसर, लेकिन विकास जयपाल ने अपना आंसर मिटा दिया है, सुनील प्रजापति सी आंसर, बी तथा सी, और एक और विद्यार्थी का आंसर है हेमराज राठौर का ए आंसर। तो देखते हैं कि किसका आंसर जो है, आज ऊंट किस करवट बैठता है, क्या आप जो है, जो हमारे बीच में हमेशा बैठ लगी रहती लेकिन आप भूल गए होंगे, हम हर बार बैठ लगाते हैं कि मैं तुम्हें से ज्यादा खोटा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एग्जाम में तुम खोटा ना करो, और तुम जो है ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ सुनील, मेरे को ही बताना है, क्योंकि आप तो कंफ्यूज हो। कंफ्यूज इसलिए देखी जाती है क्योंकि कंफ्यूजन तब देखी जाएगी जब नॉलेज आपके पास नहीं होगा। अच्छा, ये भी है कि जो पढ़ने वाले थे उन्हीं बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होती है। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब नॉलेज लेना ही नहीं है, कंफ्यूजन क्यों लेनी है। अरे आप जब नॉलेज ले रहे हो ना, आप जब जिम्मेदारी उठाओगे तो मुसीबतें तो आएगी,
और मुसीबतों से घबराकर भागने वाले को तो बाजीगर नहीं कहते, वो तो रणछोड़ हो गया। फिर रण को छोड़कर जाने वाला रणछोड़, रणछोड़ का मतलब वो नहीं बेटा, कोई रणछोड़ हो फिर कह दे कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसा नहीं बेटा। देखिए आपने मार्केंशिया नाम सुना होगा, मार्केंशिया, मार्केंशिया का आपके एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दे रखा है और उसमें यहां पर जो है इलेटर्स दे रखा ऊपर की तरफ और एक ऐसा बना रखा है और एक थोड़ा सा प्यारा बना रखा है इस तरह से, दिखने में थोड़ा क्या है फूट रहा है इस तरह से। अब सजने सवरने का शौक जो है वो मेल को ज्यादा है कि फीमेल को ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है। मैं किसी जाति सूचक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ जाओ यहां पर जो बड़ा प्यारा दिख रहा है ना वो कौन है, फीमेल मार्केंशिया है, और जो बिल्कुल ऐसे ही रफली आधे 10 मिनट में तैयार होने वाला है वो कौन है, मेल पार्ट है। ये इसको बनाने में भगवान ने समय लिया, फुर्सत में बनाया और इसको तो बढ़ा दिया बस। तो इसीलिए यहां पर जो है आपके ये मार्केंशिया मेल का है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है बच्चा, और कंफ्यूजन देखी जाती है कि यहां पर जो मेल और फीमेल के बीच में दिखने में दोनों एक जैसी है, लेकिन ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ जो है आपके फीमेल फ्लावर जो अलग ही दिखेगा आपको, थोड़ा सा जो है ब्यूटीफुल टाइप का दिखेगा, और मेल फ्लावर जो है थोड़ा सा जो है कह सकते हैं अनअरेंजमेंट वाला दिखेगा, बदानी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल मार्केंशिया हो जाएगा, जो सभी का नहीं, सतीश का भी गलत है और हेम राठौड़ का भी गलत था। हाँ भाई ये चैप्टर तो मैं ही करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले देखो तो सही कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है और तुमने जो है कहां कहां से खोटे गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, मार्केंशिया भी इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए भाई, काई का स्पोरोफाइट्स होता है, काई आपने नाम सुना का मॉसेस जिसे कहते हैं, परजीवी रहेगा, सेमी परजीवी रहेगा, फ्री लिविंग रहेगा, या फिर डिफरेंस इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ। क्या स्पोरोफाइट का मॉसेस जो होता है वो रूट स्टेम तथा लीफ में डिवाइडेड रहता है, या फिर पूरी तरह से परजीवी रहेगा, या फिर अर्ध परजीवी रहेगा, या फ्री लिविंग रहेगा, इनमें से क्या सही है? हाँ भाई, अरे एक्सप्लेन करना है जरूरी है बच्चा, ताकि क्या हमारा दिमाग जो है चीजों को रटता नहीं है, समझता है, और ये बात जब हमें समझ में आ जाएगी, और इस चीज का भी ध्यान रखना, जितना आप ट्रिक ट्रिक करके समझने की कोशिश करते हो आपकी एक भी ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आती है। जितना ट्रिक बनाओगे उतना कंफ्यूज होगे, और जो टीचर आपको ट्रिक बता बता कर पढ़ता ना, इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक वो है, अरे उनसे कहो कि आपका एक सिर्फ और सिर्फ मॉसेस की ट्रिक नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइटा की नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम की नहीं है, एनिमल किंगडम की नहीं है, अरे ऐसे तो हजारों ट्रिक हो जाएगी, कौन सी याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन के हजार थोड़ी आएंगे, उनमें से ट्रिक में से एक क्वेश्चन आया तुम्हारी तो ट्रिक लग गई, फिर ट्रिक के चक्कर में उस क्वेश्चन पे तुम टिक लगा दोगे ट्रिक के चक्कर में, और तुम्हारी टिक जो है -5 नंबर दे देगी। तो आपको ज्यादा ट्रिक भी नहीं करनी है, कि बहुत ज्यादा ट्रिक पढ़ाते हैं मजा आ जाएगा याद हो जाएगा, कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसा हो कोई भ्रम में हो कि मेरे को तो ट्रिक बहुत ज्यादा याद रहती है, मजा आ जाता है ट्रिक याद रख रख के, उस समय याद रह जाता है, आप अंधे की तरह आंखें बंद करके भरोसा करके देख लेना, एग्जाम देके आ जाना, आपको भी सच्चाई का पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा ट्रिक याद करना सही है या गलत है। हाँ, ट्रिक और तुक्का बराबर ही एक तरह से समझो भाई, ट्रिक जो है, अब वैसे ही आप पे तो मुसीबत आन पड़ी है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले वैसे ही घर में नहीं डालेंगे आपको, और फिर वहां कहां ट्रिक याद करोगे, आपके दिमाग ने जो चीज समझी है ना उसी समय वही काम आता है। जब ये आपके सेशन चालू हो रहा था ऑनलाइन तभी मैंने कहा था आपको तीन चीजों पर फोकस करना है, नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और एप्लीकेशन पर। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि आपने ज्यादा ट्रिक को समझा था या दिमाग लगा लगा कर समझा था, अपन वहीं पे आ रहे हैं। क्या बात है सर, सभी स्टूडेंट आंसर नहीं देते, नहीं 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 ऐसा नहीं है, हाँ ये डियर सुख चौधरी, ये आपको मैं फिर से बार बार भी यही कहूं तो यार मेरा भी अब तो वही है कि आप फाइनली क्या कीजिए, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कीजिए और वहां पर बात कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बार बार कह रखा है, एक बार आप भी कह दीजिए, अपलोड वीडियो है तो वो अपलोड हो जाएंगे। चलिए, काई का स्पोरोफाइट कैसा रहता है,
सभी का आंसर ए देखो तो सही। अरे क्या बात है, खोटा कर दिया तुमने। तुम सभी का आंसर क्या हो जाएगा, खोटा है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होता है, सेमी परजीवी, सेमी परजीवी। इसके बीच में एक स्टेज और आती है जिसे अपन कहते हैं नाम सुना प्रोटोनीमा स्टेज, बस इतना काफी है। प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है वो पूर्ण रूप से नहीं अपूर्ण रूप से जो किसी पर पैरासाइट की तरह काम करती है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं सेमी पैरासाइट्स कहते हैं। मोसेस के अंदर प्रोटोनीमा स्टेज भूल गए, चलो कोई नहीं, भूल तो तुम गए हो, लेकिन दुख हमें हो रहा है कि तुम्हारे ये चैप्टर इतने कैसे खराब है जो आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लगते हैं। पीढ़ी का स्वतंत्र प्रत्यायन किसके जीवन चक्र की अनूठी विशेषता है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ, किसके लाइफ साइकिल की, ब्रायोफाइटा का, टाइडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का या स्पोरोफाइटा का, स्पर्मोफाइटा। बड़ा अच्छा ही वर्ड दिया है आपको, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो आपको मैं बताऊंगा। स्पर्मेटोफाइटा, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपकी सुख चौधरी आपकी बात पहुंचा दूंगा। बी आंसर संगीता, बी आंसर संगीता, बी आंसर फिर से रोहित भारती, ए आंसर मिलिंद, बी आंसर सतीश शर्मा, बी साहिल, सी आंसर जबकि शेखावत तेज का, डी आंसर संगीता। फिर से कंफ्यूजन किया पोजीशन में और अपना आंसर जो है वो बी देते हुए, तेज अपना आंसर डी देते हुए और सुनील प्रजापति अपना आंसर सी। देखिए बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन देखना है, वो भी इंडिपेंडेंटली, मतलब कि प्रोटोनीमा स्टेज जिसके अंदर नहीं पाई जाती है वो, और वो जो प्रोटोनीमा स्टेज में नहीं पाई जाएगी वो कौन से रहते हैं आपके टेरिडोफाइट्स रहते हैं। टेरिडोफाइट में किसी भी प्रकार की प्रोटोनीमा स्टेज या फिर बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती, सीधा ही जो है गैमिट बनते हैं, गैमिट अगली पीढ़ी में जाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाकर नई पीढ़ी आ जाएगी, ये घूमता रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, प्रोटोनीमा स्टेज जैसा कुछ इसमें नहीं बनता, वो कौन हो जाएंगे आपके टेरिडोफाइट्स हो जाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपका नॉलेज बहुत बहुत कम है बच्चा इस चैप्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा फर्न के पत्ती चक्र के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्न स्प्रिट वेरी फास्ट बाय मीन्स ऑफ लीफ साइकिल ऑफ, टेरिडियम अजोला, एडियंटम या फिर एलोस्पिया, अल्सोफिया। इनमें से कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्न स्प्रिट वेरी फास्ट बाय मीन्स ऑफ लीफ साइकिल, एक लीफ साइकिल चलता है, वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस का, लेकिन पत्ती चक्र जैसा आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था एम्स के एग्जाम में। सो हाँ बिल्कुल अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ सोफ चौधरी, मैं बिल्कुल आज ही इस बारे में वापस बात करूंगा आपके लिए, ऐसा नहीं। अब ये तो अब ये जो है आपके अपलोड हुए चैप्टर लास्ट मेरे हिसाब से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पोर्शन है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। चलिए भाई आंसर आना प्रारंभ हो गए, सी आंसर, सी आंसर, किरण भी आंसर, शेखावत तेज सी आंसर, सतीश सी आंसर। देखिए बच्चा फिर से आप गलत कर रहे हो, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी पत्ती जीवन चक्र के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है, तो ये इसका आंसर जाएगा एडियंटम। आपने प्लांट का नाम सुना होगा ना, उसमें लीफ जो ब्रायोफाइट एडियंटम, ब्रायोफाइटा एडियंटम सुन ले, तो यहां निम्न में से कौन सा फर्न जो है, ब्रायोफाइटा है, फर्न ही है, कौन सा पत्ती चक्र के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है, एक लीफ साइकिल जैसा एक प्लांट के अंदर साइकिल पाया जाता है उसमें फर्न क्या होती है बहुत ही तेजी से फैलता है, उसका कौन सा हो जाएगा एडियंटम हो जाएगा, इसके लिए बहुत ही बड़ी रहती है ना एडियंटम में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, द फंक्शनल मेगा स्पोर ऑफ जिम्नोस्पर्म जनरेट, जिम्नोस्पर्म के कार्यात्मक मेगा स्पोर कहां अंकुरित होते हैं, इनसाइड द मेगा स्पोर मदर सेल, इनसाइड द मेगा स्पोर एंजियम, इनसाइड द सॉइल या इनटू एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद भ्रूण पोष में। जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा गया है,
एंजियोस्पर्म, टाइडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एल्गी के बारे में नहीं पूछा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक अपलोड नहीं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपलोड हो रहा है बच्चा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तक अपन पहुंच चुके हैं, मेरे हिसाब से वहां तक ये अपलोड कर रखा है। अगर नहीं है तो मैं कल ही आपके यहाँ अपलोड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को करवा दूंगा। जिम्नोस्पर्म के कार्यात्मक मेगास्पोर अंकुरित होते हैं किसके अंदर? ट्रायोप्सिडा, नहीं, सिंगल क्यू भी ब्राइट नहीं रहा आज तो, अरे सिंगल क्वेश्चन भी आंसर राइट नहीं, नहीं 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 बच्चा ऐसा तो नहीं हो सकता। डी आंसर सुनील प्रजापति, रोहित ए आंसर। ए आंसर, ए आंसर, बी आंसर। ठीक है, मैं फिर से एक बार कहूं, देखूंगा खुद ही ऐप में जाकर कि भाई क्या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अपलोड हो रखा है, नहीं हो रखा है तो मैं बहुत जल्द से अपलोड करवाने का प्रयास करूंगा। बी आंसर सभी का, बी और डी के बीच में। देखिए जिम्नोस्पर्म जो पाए जाते हैं इनको जिम्नोस कहते हैं, जिम्नोस का मित नैकिड होता है, स्पर्म का मतलब सीड होता है, ऐसे सीड जिनके ऊपर ऊपर की तरफ कवरिंग नहीं पाई जाती है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म डेवलप्ड टाइप के उसके अंदर पाई जाती है, तो इनके जो मेगा स्पोर्स होते हैं, अच्छा मेगा स्पोर्स होते क्या है वैसे, मेल या फीमेल? मेगा स्पोर जो है वो मेल है या फीमेल गैमेट है? मेगा स्पोर जहां मेगा है, मेगा मतलब किसके लिए है, यहां गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु किसके लिए लगता है? फीमेल के लिए, जबकि लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर किसके लगेगा? मेल गैमेट के लिए। तो यहां आपको ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म के कार्यात्मक जो रहता है वो मेगा स्पोर, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। मेगा स्पोरेंजियम ये एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। ट्वेल्थ में आपके एंजियोस्पर्म है, इलेवंथ में आपके जिम्नोस्पर्म है, तो ध्यान देना इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर ही, एमएमसी सेल के अंदर नहीं, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या देखा जाता है, इनमें अंकुरण देखा जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर। बिल्कुल, फीमेल के लिए मेगा और मेल के लिए माइक्रो टर्म यूज होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन सेशन था इस चैप्टर में। प्लांट किंगडम को अपन ने बेसिकली टारगेट किया था, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। किसे एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, किसे नॉन वेस्कुलरोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा को नॉन वेस्कुलरोफाइटा, जबकि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को वेस्कुलरोफाइटा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है डेवलप होते हैं। वैसे टाइडोफाइटा में भी डेवलप हो जाने लग जाते हैं, लेकिन फुली डेवलप्ड आपके जिम्नोस्पर्म में देखे जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके चैप्टर में पूछे गए हैं, और इन चैप्टर से पूछे गए जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए हैं। आगे इस सेशन का थर्ड पोर्शन जो बचा हुआ पार्ट है एनिमल किंगडम का, उसको अपन आगे देखेंगे, क्योंकि अपन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड देख रहे हैं, जीवों में विविधता देख रहे हैं, तो उसके बाद एनिमल किंगडम के बारे में आपको बताया जाएगा। वैसे प्लांट और एनिमल किंगडम वैसे अलग ही है, लेकिन अपन डाइवर्सिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि विभिन्नताएं जो होती है सभी में देखी जाती है। मुझे आप पर भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा। और आप जो है प्यारे विद्यार्थियों, हर चैप्टर को हल्के में मत लीजिए, एग्जाम सर पे है, ये एक आपके एक पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है बिना किसी जिम्मेदारियों के, आपके पास अपने घर को पालने की, खुद को पालने तक की जिम्मेदारियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। अरे क्या तुम्हें घर वाले कहते हैं कि तुम काम करके पैसा भी कमाओ? क्या तुम्हारा खुद का मन करता है कि मैं पैसे कमाऊं? अभी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बनाना है। और अपने जीवन को आप कैसे बनाओगे? पढ़ाई करके। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम मल्टी टैलेंटेड नहीं है, हम अच्छे सिंगर नहीं है, हम अच्छे गायक या अच्छे सिंगर या फिर अच्छे डांसर नहीं है, क्योंकि हम मल्टी टैलेंटेड नहीं है। हमारे पास एक ही टैलेंट है, पढ़ना। विद्यार्थी के पास विद्या का अर्थ रखने वाले जो भी विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भाई विद्या विधेय विभिन्न प्रकार की होती है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, लेकिन वो हमें सब तो नहीं है, हमें कोई ना कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता आपका पढ़ाई का है बच्चा। कोई भी रास्ता जो कठिनाइयों से घिरा हुआ हो, हमेशा उसका अंत सुखद होता है। भगवान किसी को बहुत ज्यादा दुख देता है,
तभी तो उसके सुख क्या होता, उसकी अनुभूति होती है। कृष्णा सुदामा, कृष्णा जो थे द्वारिका देश, जो द्वारिका नगरी थी उसके राजा थे। सुदामा एक बिल्कुल भिक्षुक था। यदि चाहते कृष्णा तो सुदामा को अपने साथ में रखकर मंत्री कुछ भी पद देकर उसको भी वो जीवन दे सकते थे, लेकिन सुदामा का एक एक कुकृत्य जो उसके गुरुजन ने दिया था, चने और वो अकेले खा गए थे। आपको ये कुछ स्टोरी पता होगी, मैं फिर कभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इतना बता दूं तो ये उसके कारण ही उसको इतनी सजा मिली थी और उसने इतने दुख भोगे। फिर उसके बाद उनको अंतिम जो सुख मिला था अपने परम मित्र कृष्णा से मिलने का, आप उसकी अनुभूति एक कर सकते हो कि आपके कई सालों तक आप अपने परम मित्र से, अपने माता पिता, अपने किसी सगे से नहीं मिले, कई सालों बाद आप मिल रहे हो, तो वो जो सुख की अनुभूति होती है उसके लिए आपने कितने दुख भोगे होंगे। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों जो मेहनत करते हैं, रूम लेके रहने वाले विद्यार्थी जो घर छोड़कर आए हैं, पूरा डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं और यहां से अपना सपना पूरा करके जैसे ही घर जाते हैं और घर वालों की जो सीना चौड़ा हो जाए कि मेरे बच्चे ने आज जो है कुछ करके दिखाया है, और वो जो अनुभूति होती है आपके सामने अपने माता पिता की आंखों में आपके लिए इज्जत बनना, ये देखकर आपको जो खुशी और एक सुख का अनुभूति होगी ना, अलग ही होता है बच्चा। तो पढ़िए, अपने लाइफ में कुछ कीजिए। जिंदगी के प्रारंभिक के 20 साल में यदि आपने मौज कर ली के मजे करते हैं, माता पिता के पास खूब पैसे हैं, हमारे पास खूब पैसे हैं, मैं खुद कमा रहा हूं, 20 साल तक यदि आपने मौज कर ली तो आपके जीवन के 40 साल आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, दो 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 टाइम की रोटी के लिए। और यदि आपने अपने समय के प्रारंभ के 20 साल मेहनत कर ली, 20 साल का मतलब अभी यही आपके विद्यार्थी जीवन में, तो आगे जीवन में आप सुख भोगोगे। ये कतई सत्य नहीं है कि आप 12th पास कर लीजिए बच्चा जीवन में सुख ही सुख है, नहीं। जीवन में सुख भोगना हो ना तो फिर तो आप ऐसा कीजिए, आप किसी के ऐसो आराम पर जीत रहिए, किसी की दया पर जीत रहिए, वो सुख और आराम होगा, लेकिन उसके अंदर भी एक दिमाग में बात रहेगी कि मैं अपने पैसों पर नहीं किसी दूसरों के पैसों पर पढ़ रहा हूं। आप जब जिम्मेदार होते हो तो आपके साथ में जिम्मेदारियां आती है, और जिम्मेदारियां जो होती है वो सुख के साथ साथ कठिनाइयां भी लेके आती है। भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो सच्चा खिलाड़ी होता है। कच्चे खिलाड़ियों की परीक्षा भगवान एक ही बार लेता है, पता चल जाता है कि ये कच्चा खिलाड़ी है, अगली बार आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, जितना आप डिजर्व करते हो उतना दे देंगे। आप भगवान से प्रार्थना करके ये मत मांगिए कि मुझे एक MNS की सीट दे दीजिए, मुझे एक नीट की सीट दे दीजिए, मुझे एक MBBS की सीट दे दीजिए। आप भगवान से ये मांगिए कि मैं आपकी कृपा के काबिल बन सकूं। भगवान उसी की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करता है। खुद को जानिए, अपने ड्रीम को पहचानिए, अपने माता पिता की कदर कीजिए, उनके सपनों की कदर कीजिए, अपने सपनों की कदर कीजिए, जीवन में बहुत आगे जाएंगे आप। चलिए भाई, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज आपको मेरी ये सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, और आपका जो आज का सेशन में आपने जो जितने गलत क्वेश्चन किए हैं उन सभी को वापस जाकर अच्छे से पढ़ना बच्चे। क्लियर है भाई? आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय एनसी।